हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाखा राठौर है और मैं अभी एम्स रायबरेली में पोस्टेड हूँ और मैं कोविड आईसीयू में काम कर रही हूँ। और मैं आप सब लोगों से मेरी जो जर्नी है, मेरी पढ़ाई से लेकर मेरी जॉब लगने तक की, तरुण सैनी लेक्चर्स के साथ वो मैं शेयर करना चाहती हूँ, अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग भी आई होप कि एक्साइटेड हो गए ये जानने के लिए कि मतलब हम लोगों ने ऐसा क्या पढ़ा या ऐसे क्या मेहनत की कि हम लोग आज एम्स रायबरेली में या फिर एम्स में पोस्टेड हैं। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगी कि जो हमारी क्लासेस होती थी, हमारी TSL की जो भी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, लॉकडाउन से हमारा स्टार्ट हो गया था तो उस टाइम पे सर यूट्यूब में पढ़ाते थे। यूट्यूब के थ्रू हम लोग सर के उसमें आए कि हाँ सर मतलब क्लासेस लेते हैं, फिर सर ने अपनी कोचिंग खुद स्टार्ट करी। फिर उसमें हमारी जो क्लासेस होती थी वो डेली क्लास होती थी, सिक्स टू एट आवर्स की डेली क्लासेस होती थी, जिसमें फिर हमें जो भी नोट्स पढ़ाए जाते थे हर एक सब्जेक्ट के, चाहे वो 2 पेज पढ़ाएं, 3 पेज पढ़ाएं, जितना भी हमने अच्छे से पढ़ा है उसको हम दोबारा आफ्टर क्लासेस ख़त्म होने के बाद उसको रिवाइज करते थे थरली, ठीक है। उसको लिख लिख के याद करते थे, ये नहीं कि हमने सिर्फ ऊपर से देखा और हो गया, हम उसको लिख लिख के याद करते थे। उसके बाद हमारा वीकली बेसिस पे हमारा टेस्ट होता था सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, और कभी मिक्सअप क्वेश्चंस होते थे, उन क्वेश्चंस में जो हमारे मार्क्स आते थे फिर उसके बेसिस पे सर हमें इंडिविजुअलाइजली हमें क्या बोलते थे कि आप मतलब हमें ट्रिगर करते थे कि जिस बच्चे का मतलब मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है, कि क्या उसकी एक्यूरेसी कम है यानी कि उसके नेगेटिव्स ज़्यादा हो रहे हैं, या उसको नोट्स को और रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें मतलब सर एक एक बच्चे को फ़ोन करके खुद, या फिर सर उनको बोलते थे मुझे कॉन्टैक्ट करो, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। फिर हमारे टेस्ट होते थे, मतलब ऐसे ही करके मैंने जो तरुण सैनी सर है या बाकी टीचर्स हैं हमारे, मालव सर हैं और जितने भी बाकी टीचर्स हैं, वो सब लोगों ने मतलब हम लोगों को जो पढ़ाई है वो इतना इजी कर दिया था। हमारे माही सर के जो ट्रिक्स होते थे कम्युनिटी के, कि मतलब हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने ईजीली वो ट्रिक्स को मतलब सिंप्लीफाई कर देते। सारे टीचर्स ने हमारे सब कुछ इतना ईजी कर दिया था, बट फिर टीचर्स अपनी तरफ से फुल मेहनत करते हैं कि वो हम लोगों को बेस्ट से बेस्ट दें, वो क्लासेस देते हैं, नोट्स देते हैं, इतनी सारी एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं ताकि हम लोगों के लिए मतलब पेपर इजी हो सके। मतलब सर हर एक कदम आगे चलते थे, सर ये नहीं कहते थे कि नॉर्थ सेट में जो पुराना आया है उसको हम बात डिस्कस करेंगे, आगे क्या आ सकता है उसको हम डिस्कस करते हैं। और इनफैक्ट होता भी यही था कि हमें पहले से ये पता होता था कि हाँ ये आने वाला है, तो वो हमारे और ईजी हो जाता था। सो ओवरऑल मेरी जर्नी बहुत